नमस्कार दोस्तों, रे एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। न्यूज़ योम करंट अफेयर्स के इस प्लेलिस्ट में आज और कल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ हम उपस्थित हैं और परीक्षा उपयोगी उन महत्वपूर्ण घटनाओं को जो सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे जो कि परीक्षा उपयोगी है, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और उसी पैटर्न के क्वेश्चन पूर्व में जो है पूछे जाते रहे हैं। तो इसी में अभी हाल में ही जो है 2 अक्टूबर बीता है, तो इसके बारे में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2 अक्टूबर जो कि गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है उसी तिथि को जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर की जो तिथि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। गांधी जी के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो साधन अपनाए जाते थे वह शांति पर आधारित होते थे, लोगों की हृदय परिवर्तन पर आधारित होते थे। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए और शांति के क्षेत्र में जो है दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इनकी जयंती के दिन यानी कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी जो है जानकारी के लिए जो महत्वपूर्ण है। इसी में अगला नाम रुपिंदर पाल सिंह कौन थे? रुपिंदर पाल सिंह ने खेल से अभी हाल फिलहाल में जो संन्यास लिया है, ये भारत के खिलाड़ी थे और ये हॉकी खेलते थे। जिन्होंने अभी हाल में ही जो है संन्यास लिया हुआ है। तो इससे संबंधित सवाल भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, कभी कभी मिलान के लिए व्यक्तित्व में आता है, तो आपके लिए जो है यह उस सवाल को हल करने में जो मदद होगा। अगला नाम इसमें जो फेमस है वो चाचा चौधरी को अभी हाल में ही नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर शुभंकर घोषित किया गया है। तो इस तरीके से यह भी एक व्यक्तित्व है, चर्चित है, तो ये परीक्षा उपयोगी है और परीक्षा में आपके लिए जो है ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है, तो इसे आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से संबंधित 2 महत्वपूर्ण सवाल हो सकते हैं। एक तो यह है कि साइंस और टेक यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है, ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। विज्ञान एवं यह प्रौद्योगिकी से संबंधित है। और दूसरा यह कि इसमें जो 11 लोगों को जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए जो है यह महत्वपूर्ण डेटा है कि साइंस और टेक से संबंधित और 11 लोगों को इस बात में पुरस्कार जो प्रदान किया गया है। अगला नाम जो है बॉलीवुड अभिनेत्री जो कि चर्चा में रहती है, इस बार भी जो है इनका नाम कंगना रनौत। बॉलीवुड की जो अभिनेत्री विभिन्न विषयों पर स्वतंत्र विचार रखने के लिए जानी जाने वाली जो बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत, इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यहाँ पर एक प्रचलित जो कार्यक्रम है 1 जिला 1 उत्पाद कार्यक्रम, उसका जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यानी कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा 1 जिला 1 उत्पाद कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इन सभी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय शांति अहिंसा दिवस, रुपिंदर पाल सिंह भारत में जो है हॉकी के खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय जो है खेल से जो है इन्होंने संन्यास ले लिया, चाचा चौधरी, नमामि गंगे कार्यक्रम का शुभंकर, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार साइंस एंड टेक के क्षेत्र में दिया जाता है जो कि 11 लोगों को दिया गया, कंगना रनौत को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो है ब्रांड एम्बेसडर जो है बनाया गया है। तो ये थी जो है व्यक्तित्व और 2 अक्टूबर को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी जिनको जो है संक्षिप्त रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। कुछ इसी क्रम में और महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकती हैं, इसी में जो है डिजी सक्षम अभी हाल में ही केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट के जो है सहयोग से डिजी सक्षम कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। यह डिजी सक्षम क्या है? डिजिटल कौशल कार्यक्रम आज की डेट में इंडिया के समक्ष एक बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ की जनसंख्या है, शिक्षित है,
लेकिन वो स्किल्ड नॉलेज नहीं रखती है, ऐसी स्थिति में जो है विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ पर कौशल कार्यक्रम से संबंधित जो है कार्यों को संपादित और विस्तारित करना होता है वहाँ पर इस तरीके की समस्याएं होती हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए डिजिटली जो है कौशल कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए डिजी सक्षम कार्यक्रम या डिजी सक्षम जो है पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा जो है माइक्रोसॉफ्ट की जो है सहयोग से इसे प्रस्तुत किया गया है। अगला कार्यक्रम है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म FB के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। यह कार्यक्रम है निर्माता शिक्षा एवं सक्षमता कार्यक्रम, निर्माता शिक्षा एवं सक्षमता कार्यक्रम। यह कार्यक्रम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म FB के द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है। यह इस तरीके का एक बहुत बड़ा जो है प्रोजेक्ट है, तो यह भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया का रोल आज की डेट में हर व्यक्ति के जीवन में, हर संगठन, हर विभाग सरकार से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं यह भी क्वेश्चन परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। अब हम चलते हैं सेक्रेट, SACRED, सेक्रेट एक पोर्टल अभी लॉन्च किया गया है। यह किससे संबंधित है? सीनियर सिटीजन से संबंधित, यानी कि सीनियर एबल जो पर्सन हैं उनके री एम्प्लॉयमेंट से संबंधित यह जो पोर्टल है, तो यह भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है। सीनियर सिटीजन कहीं ना कहीं हमारे संवेदनशील वर्गों में आते हैं और उनके लिए जो है यह कार्यक्रम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेक्रेट जो एक पोर्टल है वो सीनियर सिटीजन से संबंधित जो योग्य हैं, जो एबल हैं, उनके जो है री एम्प्लॉयमेंट पर ये विचार करता है। इसके संदर्भ में पोर्टल बनाया गया जहां पर जाकर के कोई भी जो है सीनियर सिटीजन डिफरेंट टाइप की जो है नॉलेज रख सकता है, विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकता है, उस जानकारी के माध्यम से वहां पर आगे जो है बढ़ सकता है। अब इसी में जो है हम कुछ इंटरनेशनल जो है न्यूज की दिशा में जो है आगे बढ़ेंगे। इसी में एक लूसी क्या है? यह लूसी जो है एक अंतरिक्ष यान है। लूसी अंतरिक्ष यान है और यह जो है अमेरिका की जो है अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा, अमेरिका की जो है अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा जो है तैयार किया गया, और इसका मुख्य काम बृहस्पति जो है ग्रह से जो है संबंधित या उसके जो है क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन के लिए जो इसे तैयार किया गया। तो मूल रूप में जो इसे ध्यान रखना है कि लूसी एक अंतरिक्ष यान है जिसे नासा के द्वारा बनाया गया है और इसके माध्यम से जो है बृहस्पति ग्रह के जो है क्षुद्र ग्रहों के बारे में जो है यह अध्ययन करेगा। अगला है ओसिनटेक्स, भारत की जो है नौसेना और ऑस्ट्रेलिया की रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के द्वारा द्विवार्षिक कार्यक्रम है, तो यह संचालित किया गया है। विभिन्न देशों के बीच में जो है संयुक्त अभ्यास होते हैं, तो यह नौसेना के क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है द्विवार्षिक ये जो अभ्यास कार्यक्रम है जिससे दोनों देशों के बीच में अंतर प्रचालन क्षमता का जो है विस्तार होगा और इस क्षमता के जो है आंकने के पॉइंट ऑफ व्यू से यह कार्यक्रम जो महत्वपूर्ण है। ओसिनटेक्स यानी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये जो है अभ्यास आयोजित किया जाता है, नेवी की सेना इसमें सम्मिलित होती हैं। तो ये थी आज और कल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तो आज के इस न्यूज एवं करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में आप सभी लोगों का स्वागत था और आप इसी जानकारी के साथ आगे बढ़िए। अगले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।